एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासा जात केस की समाप्त हुई। नए प्रोसिक्यूटर ने कहा, हमजा शहबाज तफ्तीश में तावुन नहीं कर रहे। वो 96H मॉडल टाउन घर खरीदने के जराए नहीं बता रहे। हमजा शहबाज तावुन नहीं कर रहे कि रकम कहाँ से आई। उन्होंने जायदाद खरीदने के जराए नहीं बताए। हमजा शहबाज ने गोशवारों में कीमत कम जाहिर की। वकील हमजा शहबाज ने कहा, 96H मॉडल टाउन हमजा शहबाज की वालिदा का है। हमजा शहबाज की वालिदा खुद मुख्तार हैं और अपना टैक्स अदा करती हैं। ये केस आमदन से जायद असासों का है, करप्शन का नहीं। नैब कहता है कि 3.3 बिलियन के असासे नाजायज हैं, जो इनकी तफ्तीश में साबित हो चुके हैं। जब सबूत नैब को मिल चुके हैं, तो फिर नैब को हमजा शहबाज के जिस्मानी रिमांड की क्या जरूरत है। हमजा शहबाज ने अदालत में बयान दिया कि रकम कहां से आई। इसकी तमाम तफसीलात दे चुका हूं। 3 माह का रिमांड दे दें ताकि इनको सुकून आ जाए। समझ नहीं आती नैब क्या चाहता है। मुझ पर करप्शन साबित हो जाए तो सियासत छोड़ दूंगा। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज के जिस्मानी रिमांड में 14 रोज की तोसी कर दी।